हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव खाई और आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद गौरव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ये हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज की होने वाली है थर्ड वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरी इससे पुरानी वाली वीडियो जो कि मैंने बताया है वार लेट कॉन्स्ट क्या डिफरेंसेस हैं कैसे यूज करते हैं इन डिटेल, जाके डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके जल्दी से चेक करो तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, इसकी क्या यूसेज होते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये सबसे पहले तो यार बाकी लैंग्वेज की तरह हमें जावास्क्रिप्ट में डिफाइन नहीं करना होता कि भैया आपको इसमें स्ट्रिंग डालना है, नंबर डालना है, बोलियन, एरे वगैरह वगैरह। जैसे कि C++ में आपको इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब चीज़ें आपको मैंशन करनी पड़ती हैं, बट जावास्क्रिप्ट में ये सब टाइप्स डायनेमिक है ऑलरेडी। अभी टाइप डायनेमिक क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ। एक हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल टू 1। अब ये 1 स्ट्रिंग है या नंबर है हमने यहाँ कुछ डिफाइन नहीं करा है, हमने वैसे क्लिक करा। अब आप इसको वापस से रीअसाइन कर दो लेट से ए बी सी। अब इसे हमने एंटर मार दिया, तो अब आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि अब ए ने क्या होल्ड करा होगा, स्ट्रिंग या नंबर। तो इसे बोलते हैं टाइप डायनेमिक, जिसके वजह से जो वेरिएबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली होल्ड कर लेते हैं वैल्यू, मतलब मीन स्वैप हो जाती है वैल्यू, स्ट्रिंग से नंबर से स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग से बुलियन भी हो सकता है। इसको चेक कैसे करते हैं कि आपने, चलो मैंने बताया कि स्ट्रिंग है, कोई और कह रहा होगा नंबर है, बट प्रूफ क्या है कि असल में क्या होल्ड करा होगा ए वेरिएबल ने। तो इसको चेक करने का सबसे ईजिएस्ट रीजन है, ईजिएस्ट वे है कीवर्ड टाइप ऑफ ए। दैट्स इट, टाइप ऑफ ए लिख के आप एंटर मारो कि यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग। ये ए वैल्यू को मैंने यहाँ पे रीअसाइन किया था ए बी सी जो कि स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है हमारी बात, कुछ कंफ्यूजन या कुछ भी कह लो, बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, 1 + 2 + हेलो, क्या आप में से मुझे कोई इसका आउटपुट कमेंट करके बता सकता है क्या इसका आउटपुट होगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। बेसिकली हमारे पहले दो डिजिट जो है नंबर्स हैं, उसके बाद स्ट्रिंग है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जावास्क्रिप्ट इवेल्युएट हमेशा लेफ्ट टू राइट करता है। तो पहले लेफ्ट में हमारा 1 + 2 ये नंबर है, तो ये होगा हमारा 3। देन 3 + string, तो जब नंबर और स्ट्रिंग प्लस होते हैं तो रिजल्ट हमेशा स्ट्रिंग में होता है। तो इसका आंसर हमारा होगा 3 हेलो। पहले 1 + 2 था, उसको इवेल्यूएट करके 3 हुआ, उसके बाद जो स्ट्रिंग था वो हेलो हो गया। तो ये सब टाइप डायनेमिक के अंडर आता है, ऑटोमेटिकली चीजें इसमें साइन होती हैं। आपको सर्टेनिटी नहीं है कुछ, बट आपको इसका नॉलेज होना चाहिए क्या क्या डेटा टाइप होते हैं, कैसे वो होल्ड करते हैं, कैसे आप इसको चेक कर सकते हो। आप टाइप ऑफ यूज करके बेसिकली कंडीशनल वाइज आपको कोई अगर टास्क देता है कि आपको चेक करना है कि आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट में स्ट्रिंग है या नंबर है, उसके साथ साथ आपको कुछ कोड रन करना है, तो टाइप ऑफ वेरिएबल हम टाइप ऑफ कीवर्ड उसके लिए इजीली यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक हमारे पास बुलियन टाइप भी होता है ए इक्वल टू। अब आपने कंडीशन में डाल दिया इफ ए इज स्ट्रिंग, उसके अंदर आपने ए इक्वल टू ट्रू पास कर दिया। तो अब ये ट्रू क्या है, अब हम वापस से टाइप करेंगे टाइप ऑफ ए एंड एंटर। तो अब आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पे बुलियन। पहले हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग था, मैंने रीअसाइन किया और अब ये हमारा हो गया बुलियन। सो बुलियन के अंदर गाइस दो केसेस होते हैं, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। सो ये तीन तरह के हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, पहला नंबर, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा बुलियन। इसको हमें याद रखना, बहुत बेसिक्स हैं और इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, काइंड ऑफ आप कह सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब इसके अलावा और हमारे पास क्या क्या होते हैं, एक हमारे पास रेफरेंस डेटा टाइप भी होता है। अब रेफरेंस डेटा टाइप क्या होता है, उसके अंदर हमारे एरे और ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ए आर आर इक्वल टू 1, 2, 3। तो ये हमारा एरे एक तरह से रेफरेंस डेटा टाइप है। अब एरे में बेसिकली आप कहोगे यार
क्या ये और भी कोई वैल्यू होल्ड कर सकता है, मतलब सिर्फ एक ही कैटेगरी की वैल्यू होल्ड करेगा? स्टार्टिंग अगर नंबर से हो तो नंबर ही होने चाहिए। सो नो, आप इसमें स्ट्रिंग भी होल्ड कर सकते हो, जैसे कि अपना नाम ले देता हूँ गौरव, आप इसमें बोलियन भी स्टोर कर सकते हो लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे अगर ए आर आर टाइप करूँ तो आप देखोगे मेरे पास 1, 2 गौरव एंड फॉल्स, 4 इंडेक्स बन चुके हैं। एक चीज हमें ध्यान रखना, एरे 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता है। मे बी जो नए बिगनर्स होंगे उनमें कन्फ्यूजन हो, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो एरे के ऊपर पर्टिकुलरली इन डेप्थ वीडियो में इन फ्यूचर लेके आऊंगा, क्योंकि एरे ही एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है अपने में खुद में जावास्क्रिप्ट में। तो इस डेटा टाइप्स की वीडियो में कवर करना इज नॉट पॉसिबल, इसके लिए एक अलग से सीरीज मैं लेके आऊंगा, जिसके अंदर पूरा आपको इनबिल्ट फंक्शन के साथ, कैसे इनबिल्ट फंक्शन, फिल्टर, इंक्लूड्स, शॉर्ट, पुश, पॉप, कैसे इन सबको यूज किया जाता है, इफेक्टिवली यूज किया जाए, और इंटरव्यू प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है इन सब चीजों के साथ, तो ये वीडियो इन फ्यूचर आएगी। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि एरे में हम किसी भी तरह के डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इट्स अ काइंड ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप। अब इसके अलावा और क्या होता है, बस एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन बेसिकली ऑफ अ रियल लाइफ एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको डिफरेंस समझना होगा, एरे में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के टाइम हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने नेम लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा अंदर गौरव। सो एरे में आपने चलो कुछ भी पास कर दिया, सिर्फ वैल्यू, बट इसका कोई वो नहीं है कि यार बेसिकली मतलब आप एसोसिएटिव एरे पास कर सकते हो, दैट्स ट्रू, बट उससे बेटर ऑप्शन आपके पास ऑब्जेक्ट्स का है। अब मैंने ऑब्जेक्ट से बनाया है, इसे एंटर करता हूँ। अब ऑब्जेक्ट एक्सेस के लिए मैं डॉट ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं खाली ओबीजे लिखूँ तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे आ गया कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट। अगर ये मैं चेक करूँ, करना चाहूँ टाइप ऑफ ओबीजे, तो आप देखोगे ये भी आउटपुट दे रहा होगा हमें ये ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर, जैसे कि ओबीजे डॉट name, तो आप देख सकते हो गौरव में आउटपुट आ गया। कुछ इस तरह से ही हम छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, समझेंगे इन डेप्थ प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ, ताकि इंटरव्यू क्लियर करने में भी आपको आसानी हो। आने वाली वीडियोस में एरे और ऑब्जेक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मेमोरी एलोकेशन से लेके डीएसए का पार्ट भी कवर होगा, कैसे हम डीएसए के थ्रू एरे को इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूले, और सब्सक्राइब तो कर दो अगर चाहते हो जावास्क्रिप्ट को इजीली सीखना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक अलग टॉपिक के साथ आएंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका किस जेएस टॉपिक में वीकनेस आपको लगती है, उस पर डेफिनेटली मैं इजी तरीके से और इजी तरीके से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अपनी अगली वीडियो पे जाने से पहले न्यूटन स्कूल को जरूर चेक कर लेना, 1 प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर सॉल्यूशन रिलेटेड टू प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ कोर्सेज जो कि हैं बिगिनर्स, प्रोफेशनल्स एंड स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए। ये सारे कोर्सेज मेंटर्ड हैं अंडर टॉप मेंटर्स जो कि काम करते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों में, और ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। 6 मंथ की ड्यूरेशन है, जिसमें आपको कोडिंग रिलेटेड गाइडेंस तो मिलती ही है, प्लस इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए उसका भी पूरा आपको गाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ जिन कंपनीज में आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं वो भी यार इंडिया के टॉप IT कंपनीज हैं, मतलब आप ऑलमोस्ट चाहे अज्यूम कर सकते हो 300+ कंपनीज मैं आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप इनके कोर्सेज ज्वाइन करते हो। तो अब आप कहोगे यार ये फ्री कैसे हैं, ये जो प्रोग्राम फॉलो करते हैं इसका है 0 fee टिल प्लेसमेंट अंटिल यू गेट एटलीस्ट 5 lakh पैकेज पर एनम। मतलब यार ऐसी कोई चीज़ मैंने तो कभी नहीं देखी जिसमें आपको 6 महीने तक 1 rupee भी पे नहीं करना है, तब तक आपके हाथ में जॉब कम से कम 5 lakh सैलरी जितनी ना आ जाए। तो और जानने के लिए गाइस मैंने लिंक बायो में दे रखा है, जल्दी जाके चेक करो।